तो दोस्तों ये था मेरा पहला आवश्यक सूचना। ये वीडियो किसी प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं डबिंग कैसे करता हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी प्रकार के थ्रिल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शक अपने विवेक से काम लें, आपको आने वाली वीडियोस में बहुत सारा मसाला मिलेगा। पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो यार आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे पता है। बट मैं कुछ घर परिवार वाले कामों में बिजी हो गया था। तो खैर अब मैं आज़ाद हूँ और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। फैन की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं अभी वैसी डबिंग नहीं कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। खैर जो भी है, मैं आप लोगों से बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप में से दोस्तों ने बोला कि डबिंग का ट्यूटोरियल बनाओ, ट्यूटोरियल। तो यार मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि टेक्निकली मैं कैसे काम करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं सही करता हूँ या गलत। लेकिन मैं जैसे करता हूँ मैं आप लोगों को वो चीज़ बता दूंगा कि मैं डबिंग कैसे करता हूँ। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे डबिंग करता हूँ। तो ये किसी तरह का ट्यूटोरियल कह भी सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसे ही करो। हो सकता है कि आप लोगों को ये गलत लगे, लेकिन मुझे ऐसा करना आसान लगता है। तो अगर आपको भी ये ईजी लगे, अच्छा लगे, तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। खैर हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन सामानों से जो हमें एक बेसिक नीड रहती है जिनकी डबिंग के लिए। तो अगर आपके पास कुछ छोटा सा माइक भी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप वो सामान ले सकते हैं जो मैंने लिया है। मैंने लिया है राइट कंपनी का WR800 नाम से माइक आता है, माइक्रोफोन आता है। उसके साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि USB साउंड अडैप्टर आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है लैपटॉप पे डबिंग करने वालों के लिए और PC पे करने वालों के लिए। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है फैंटम पावर सप्लाई, जो कि राइट कंपनी का ही है और उसका प्राइस थोड़ा सा माइक्रोफोन से भी ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे पाता है माइक्रोफोन को। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि माइक का वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, वॉल्यूम भी फुल कर देने के बाद भी बहुत कम आवाज़ आती है, बहुत कम वॉल्यूम आता है। तो ये जो दिक्कत है ये उसी वजह से आती है। तो फैंटम पावर सप्लाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम डबिंग करते हैं तो अच्छे लेवल पे, क्योंकि उससे क्या रहता है, उससे माइक को वोल्टेज मिल जाता है जिससे हमारे लैपटॉप या PC में अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग होती है। तो इसके अलावा जो हमारे पास सामान है वो है माइक का स्टैंड, जो कि मैंने ले लिया था साथ में ही। उसके अलावा पॉप फिल्टर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉप फिल्टर का की इम्पॉर्टेंस हमको तब समझ में आती है जब हम डबिंग करते टाइम बी या पी या जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं भाग। तो अगर मैं भाग बोलूँगा तो अगर पॉप फिल्टर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं भाग। तो ये चीज़ नहीं रहेगी अगर पॉप फिल्टर होगा तो भाग अब नहीं आएगा। तो ये जो हवा का जो साउंड रहता है हमारे मुंह से निकलने वाला है, पॉप फिल्टर उसको रोक लेता है। एक पॉप फिल्टर मैंने अलग से लिया है, वैसे इस माइक के साथ भी एक पॉप फिल्टर आता है स्पंज का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हेडफोन की, आप कोई भी हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ फ्रंटेक का, बहुत ही सिंपल सा 250-300 रुपये का ये हेडफोन है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। बट ये इसलिए काम में लेते हैं ताकि मॉनिटरिंग हो सके, जो वीडियो के लिए आप डबिंग कर रहे हैं उसका जो ओरिजिनल साउंड है वो आपके कानों में आए और आप उसके साथ एक्सप्रेशंस मैच करते हुए वीडियो देखते हुए अपनी लाइन्स बोल सकें। तो इसलिए ये हेडफोन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बिना करते हैं तो डबिंग तो हो जाएगी, लेकिन एक जो प्रैक्टिस आपकी रहती है एक्सप्रेशंस मैच करने वाली वो नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हेडफोन की। आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी ईयरफोन या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के स्पीकर्स हैं अगर आप उनको ऑन रखेंगे तो आपका जो माइक्रोफोन है वो उसकी आवाज़ भी पकड़ लेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक हेडफोन लेना पड़ता है, हेडफोन लगाते हैं तो वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है वो आपके कानों में आएगा। उसके साथ अपनी टाइमिंग और एक्सप्रेशंस मैच करके आप अपने डायलॉग्स बोलेंगे हिंदी में, और उसके बाद आपको करना रहेगा सिर्फ मर्ज करने का। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि अगर आप कभी डायलॉग जल्दी बोल देते हैं या लेट बोल देते हैं,
स्क्रीन पे वो डायलॉग नहीं आया और आपने पहले बोल दिया, तो उसको भी एडजस्ट करना बहुत ईजी है, बस कट करके थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना है, तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा। तो खैर ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं डबिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है ये। तो दोस्तों मैं डबिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है मोवावी वीडियो सूट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको इजीली गूगल पे मिल सकता है, या फिर आप ख़रीद सकते हैं, या फिर आप इसका क्रैक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि खोल कर इसको और एडिट वीडियो पर जाता हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। आप इसकी जगह फिल्मोरा भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोग जो मेरे दोस्त हैं फिल्मोरा यूज़ करते हैं, बट मेरी प्रैक्टिस इस पर है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम पहले करेंगे ऐड मीडिया फाइल्स। तो हमें कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अगर वीडियो जो एडिट करना है वो हम उठा सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हम लेते हैं। मेरा बाहर कोई ट्रेलर पड़ा भी नहीं है, वरना मैं आपको ऐसा ही दिखा देता। चलिए ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आप उससे भी समझ जाएंगे, ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। है ओपन प्रोजेक्ट, और मेरा जो फेवरेट है अब तक का वो वेनम का ट्रेलर। मैं वेनम वाला ट्रेलर उठाता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। तो दोस्तों ये तो है ओरिजिनल ट्रेलर, और जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं ये है वॉल्यूम पॉइंट्स, जिसको राइट क्लिक करके ऐड वॉल्यूम पॉइंट ऐसा करके आप लगा सकते हैं। और ये इसलिए काम आता है कि आप जब अपना डायलॉग बोलें तो ओरिजिनल जो डायलॉग है वो उसका आप वॉल्यूम कम कर सकें। तो बस ये चीज़ है। तो आप इसको जहाँ जहाँ पे डायलॉग्स हैं इस पूरे ट्रेलर में पहले आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ जहाँ डायलॉग्स हैं वहाँ वहाँ पे आपको वॉल्यूम पॉइंट्स लगा के रखना पड़ेगा, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसका वॉल्यूम कम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ता है। पहली चीज़ ये कि अगर आप डबिंग के लिए ट्रेलर को यूज़ करते हैं या कोई भी वीडियो लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक रहता है। अगर आप डायलॉग का वॉल्यूम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड का म्यूज़िक है वो भी कम हो जाएगा, तो उससे बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत अटपटा लगेगा सुनने में। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए या तो आप किसी सॉफ्टवेयर से उस वीडियो का जो ऑडियो है उसको लेकर उसमें से वोकल रिमूव कर सकते हैं, और नहीं तो आपको किस्मत अगर अच्छी हुई तो YouTube पर उस ट्रेलर के या उस वीडियो का जो बैकग्राउंड ट्रेलर म्यूज़िक है वो भी मिल जाता है कई बार, कभी कभी, वरना आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि वोकल रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद उस ऑडियो को आप जहाँ जहाँ सेट करेंगे पूरे ट्रेलर में उसके हिसाब से टाइमिंग वही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करनी है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को पढ़ना है, और मैं आपको एक सैम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसा कि वेनम वाला ट्रेलर, आपको अगर आपने मेरा वाला देखा हो तो आपको याद होगा लास्ट में एक डायलॉग था, तो मैं वो करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहले आपको ये करना है कि ओरिजिनल वीडियो का जो डायलॉग ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम पॉइंट, ताकि आप जब अपना डायलॉग बोल दें तो उसके बाद ओरिजिनल डायलॉग को पैन करके लो कर सकें। तो चलिए हम ट्राई करते हैं डायलॉग बोलने का। ये इस मूवी का ट्रेलर का लास्ट जो डायलॉग था मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपने शायद देखा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस स्टार्ट रिकॉर्डिंग। टाइमिंग का ध्यान रखना। वो बस मेरा पालतू कीड़ा था। हाँ, गुड नाइट मिसेस चैन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डायलॉग सेट बैठ जाएगा। शायद मैंने एक लाइन थी वो थोड़ी सी पहले बोल दी, जो कि था ये। हाँ, गुड नाइट मिसेस चैन। गुड नाइट मिसेस चैन मैंने जल्दी बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बस इसको यहाँ पे लेके जाना है जहाँ से डायलॉग शुरू हो रहा है। पहले आप कर देते हैं इसका वॉल्यूम पैन करके लो, और अब सुनते हैं। हाँ, गुड नाइट मिसेस चैन। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिया और इसको कट किया, उसको उठाया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। अब इसकी टाइमिंग देखते हैं। इस मेरा पालतू कीड़ा था। हाँ, गुड नाइट। ठीक है, तो इसको, हाँ, को भी हम उठाकर थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाँ, गुड नाइट मिसेस चैन। बस इतना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम इसको अब साथ में देखते हैं। वो बस मेरा पालतू कीड़ा था। हाँ, गुड नाइट मिसेस चैन। इतना सिंपल है।
तो दोस्तों ये था मेरा पहला अलग तरह का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं डबिंग कैसे करता हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप भी इस तरह से डबिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट हम हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो खैर जो भी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं भी इसी फील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपको मैं अपने और भी सीक्रेट्स बताऊंगा कि मैं और क्या क्या करता हूँ डबिंग के अलावा। खैर जो भी है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो जो मैं भूल गया हूँ या मेरे दिमाग से मिस हो गया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का क्लियर कर दूंगा और इस बार मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।